पर जब प्रदेश सचिव का इनको पदभार मिला, जनपद को काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि गाजीपुर जनपद से कोई ऐसी पहली महिला खड़ी हुई है जिसने पूरे उत्तर प्रदेश में अपना डंका लहराया है, बड़ी उम्मीदें हैं। और मैम आपसे जानेंगे, कभी ऐसा सोचा था कि पूरे उत्तर प्रदेश को लीड करना है, नेतृत्व करना है? देखिए, बात तो आपने बहुत बड़ी कर दी। सोचा नहीं था, बट हाँ ये पता था कि समाज सेवा के नाम पे निकलना घर से जरूर है। और एक बहुत अच्छा मंच मिला वीना मानवी मैम द्वारा, बहुत अच्छा मंच मुझे मिला, बहुत अच्छा पद मुझे मिला। बिना कुछ सोचे समझे, बिना मुझे जाने उन्होंने मुझसे प्रेरित होकर के मुझे उन्होंने ये फैसला लिया कि इनको दिया जाए और देखा जाए कि ये क्या करती हैं। अभी हम महिलाओं के साथ खड़े हैं, लेकिन जब मुद्दे की बात, जब उनकी बात होती है तो कोई खड़ा नहीं होता। लेकिन मैं आपसे जानूंगा, जो आज महिलाएं देख रही हैं, जी मैम आप क्या कहें? मैं बिल्कुल उनको यही आश्वासन देना चाहूंगी कि पहले आप हमारा काम देखिए। आप जब देखेंगे वीना मानवी मैम को कि वो कितना अच्छा काम कर रही हैं बिहार में, तब आपको पता चलेगा कि हम लोग सिर्फ बातों के खिलाड़ी नहीं हैं। मैं उनसे प्रभावित हुई, मैंने देखा कि पटना बिहार में वो कितने अच्छे लेवल पे लोगों को इंसाफ दिला रही हैं। उसके लिए वो ट्रॉल भी बेचारी हो जाती हैं, मगर ट्रॉलिंग भी जरूरी है। अपने लेवल को ऊपर बढ़ाने के लिए ट्रॉलिंग भी जरूरी है। और मैं यही आश्वासन दूंगी कि जब मैं उत्तर प्रदेश से मुझे चुना गया है, तो मैं यही चाहूंगी कि जिस दिन से मेरा नाम जुड़ा है उस दिन से मैं आगे अपना कार्यभार संभाल रही हूं और मैं काम करते जाऊं, मैं रुकूं ना। और ताकि पूरे प्रदेश में, आज तो ये सिर्फ उत्तर प्रदेश है, देश विदेश हर जगह धीरे 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 उनका, हमारे संगठन का नाम रोशन हो। दोस्तों, जब मैम से मेरी फोन से बात हुई तो इन्होंने बताया, सुशील अभी बगल में महिला डिग्री कॉलेज है, वहाँ पे गुरुओं से और भी जो टीचर थे उनसे बात हो रही थी और वहाँ पर भी इन्होंने बातें की, अपनी बातों को रखा। मैम, महिला सशक्तिकरण की बात होती है, बेटी बचाओ की बात होती है, मैं जरूर आपकी राय जानना चाहूंगा। देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ बातों में हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बहुत लोग जबान से बोलते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं कर पाते हैं। आज वो जमाना है कि बोलिए कम, करके दिखाइए। तो करके जो दिखाता है वही जाना जाता है। तो मैं यही कहूंगी सारे गार्जियन, माता पिता, हर किसी से मेरा यही हाथ जोड़ के अनुरोध है, अपने घर की बेटियों को उच्च स्तर की शिक्षा दीजिए, उनको पढ़ाइए लिखाइए, उनको बहुत हाईटेक फैसिलिटीज मत दीजिए, लेकिन पढ़ाई जितनी हो सके उतनी कराइए। अगर मैम मैं आपसे जानूं, पूर्वांचल के इलाके की बात करूं, जी गाजीपुर के इलाके से लवरी काशी के नाम से परिचित भी हैं और जन्म से ही आपने काफी करीब से देखा है, बलिया है, मऊ है, जौनपुर है, आजमगढ़ है, अभी ये संगठन कहाँ तक प्रभावी है और भी जोड़ने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, चूंकि मुझे प्रदेश सचिव बनाया गया है, तो मेरा ये महत्वपूर्ण काम है कि मैं अपने संगठन को आगे बढ़ाऊं, उसकी छत्र छाया फैलाऊं। और फिलहाल हम लोग आजमगढ़ को टारगेट कर रहे हैं। आजमगढ़, मऊ, बलिया, ये सारे जितने क्षेत्र हैं, बनारस में ऑलरेडी बहुत अच्छा हेड ऑफिस है, गाजीपुर में हमारी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, बिहार में तो खैर पूरा मशहूर है कि बिहार में कितनी अच्छी कार्यशैली उन लोगों की है, मगर बनारस में, गाजीपुर में ऑलरेडी है। मेरा अब ये टारगेट है कि हम आजमगढ़ पहुंचे, मऊ पहुंचे, बलिया पहुंचे, अपने क्षेत्र को मैं कवर करूं और हमारे महिला विकास मंच का नाम हर जगह हो, ताकि अगर किसी भी महिला, बच्ची या पुरुष को प्रताड़ना से ग्रसित हैं, उनको जरूरत है, तो उनको कहीं ना जाके एक बार महिला विकास मंच का नाम जरूर याद आए। अगर मैं आपसे जानूं, महिला विकास मंच आप देख रही हैं, काफी बड़ी बात है, ऐसे कोई महिला, कोई बच्ची अगर सौर्या सिंह जी को आवाज लगाती है, जी क्या कहेंगे? मेरा दोनों खुले हाथों से उनका स्वागत है। मैं इसीलिए यहाँ पे हूँ कि आप आइए, अप्रोच कीजिए, आपकी चीजों को सुना जाएगा, मैं आपकी आवाज बनूंगी। महिला विकास मंच का यही काम है, जिन लोगों की आवाजों को दबा दिया जाता है, जिन लोगों की आवाज ऊपर नहीं पहुंच पाती है, हम उनकी आवाज बनेंगे, उनको आवाज देंगे और उनकी चीजों में उनको न्याय दिलाएंगे। देखिए, बहुत बड़ी बात है, लेकिन हाँ ये तो बात सत्य है कि मैं, मेरी स्कूलिंग सेंट जॉन से हुई है और मैं 12th स्टैंडर्ड में स्पोर्ट्स कैप्टन रही हूँ। हमेशा मुझे माइक पकड़ा दिया जाता था कि आप स्टेज पे जाइए, एंकरिंग से लगाए, आप सारी असेंबली संभालिए, सब चीजें संभालिए। तो वो जो एक झिझक होती है वो तो तभी निकल गई। शादी मेरी हुई, मेरे हस्बैंड है माननीय अभिषेक सिंह जी, तो उनको भी मैंने मंचों पे बोलते देखा है, उनको भी मैंने दहाड़ते देखा है, तो वो भी मेरी झिझक वहां से मिटी है। दोस्तों, एक खास मुलाकात सौर्या सिंह जी के साथ
गाजीपुर से रहने वाली है, लहुरी काशी की बेटी है, लेकिन उत्तर प्रदेश के प्रदेश सचिव का इनको पदभार मिला है। और आज जिस तरीके से मैम ने अपने बारे में बताया, जो भी लोग सुन पा रहे हैं, मैम अगर शुरुआती दिनों की मैं बात करूं, जब बचपन में आप स्कूल जाया करती होंगी, तो जिस तरीके से आपसे मिलने के बाद ऐसा लगा आप एक अनुशासित हैं, आप कभी ऐसा हुआ हो कि स्कूल के दिनों में आज मन नहीं है, आज स्कूल नहीं जाना है, घर पे डांट वोट मिली हो, कुछ ऐसा वाकया अगर? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत ही रोंदू बच्चा थी जो मैं स्कूल नहीं जाना चाहती थी। मैं बिल्कुल भी पढ़ाई लिखाई और उसमें डिसिप्लिन्ड नहीं थी। आपको भले मेरा ओवरऑल वो दिखता हो कि हाँ मैं बहुत डिसिप्लिन्ड हूँ, बट ऐसा नहीं था। मेरे बाबा थे पूजनीय कृष्ण प्रताप सिंह, स्वर्गीय कृष्ण प्रताप सिंह, वो बहुत ही डिसिप्लिन्ड इंसान थे। मेरी शादी भी ऐसी जगह हुई कि मेरे यहाँ मेरे जो ससुर जी थे माननीय अजीत कुमार सिंह जी, स्वर्गीय अजीत कुमार सिंह जी, तो वो भी बहुत अनुशासन प्रिय थे, वो भी बहुत अनुशासन प्रिय थे। हम सब लोग बिगड़ैल बच्चों की तरह घर में रहते थे, लेकिन वो डांट डपट के हम लोगों को सुधारते थे। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, महिला विकास मंच के बाद बहुत सारी ऐसी महिलाएं भी हैं जो कि अगर हम कहें कि हम महिला परिवार में उसका दुरुपयोग भी होता है। बिल्कुल, हमने गलती कर दी, फिर भी एक ऐसा संविधान बन गया है महिलाओं के लिए, हमेशा लोग बढ़ चढ़ कर अपनी बातों को रखते हैं। मैं जो महिलाएं देख रही हैं, मैं सौरभ सिंह जी की वो आवाज़ जानना चाहूँगा, सही करें सही रहें, हम आपके साथ। बिल्कुल, देखिए आपको न्याय तभी मिल पाएगा जब आप सही होंगे। सही रहना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो मैं हूँ, न्याय जिसको चाहिए या न्याय देने वाला, दोनों का सही रहना बहुत आवश्यक है, तभी न्याय मिल पाएगा। न्याय तो आपको मिल जाएगा, मगर आप ये सोचिए जिसके साथ आपने अन्याय किया फिर वो क्या होगा, क्योंकि न्याय कभी छुपता नहीं है और अन्याय भी नहीं छुपता है। अगर किसी ने गलत तरीके से न्याय को पाने की कोशिश की, आप ये सोचिए कभी ना कभी साल भर बाद, दो साल बाद, कुछ दिन बाद आपका अगर झूठ सामने आ गया, सामने आ ही जाएगा, तो उसके बाद हम भी बेइज्जत होंगे, आप भी बेइज्जत होंगे, हम लोग शर्मसार होंगे। तो इससे अच्छा, और हमारी टीम ऐसी है कि हम आपके सारी चीजों को पहले हम लोग पूरा स्टडी करेंगे, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि कोई हमारे पास आया और हम सीधे निकल गए, नहीं, हम पहले हर पहलू को सुनेंगे, हर पहलू को जांचेंगे, कौन सही है कौन गलत है, फिर उन चीजों पर निर्णय लिया जाएगा। दोस्तों बहुत बड़ी बात की इन्होंने, जो भी लोग देख रहे हैं, मैं चाहूंगा मेरे वीडियो को पूरा देखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलेंगे फिर कहीं और किसी और जगह इसी तरीके से एक शानदार इंटरव्यू सौरभ सिंह जी का। मैम इतना समय दिया मेरे चैनल में आपने, इसके लिए आपको बहुत बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद।